गुड मॉर्निंग टू ऑल। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपका यूनिट 4 नेचुरल प्रोडक्ट एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री में एंटी मलेरियल ड्रग स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 8 एमिनो क्विनोलोन डेरिवेटिव से हमने पामाक्विन, प्रीमाक्विन, इसकी सिंथेसिस और इसके यूजेस देख लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्रीडीन डेरिवेटिव। ठीक है, एक्रीडीन डेरिवेटिव। तो एक्रीडीन डेरिवेटिव में हमको कौन कौन से एंटी मलेरियल ड्रग्स पढ़ने हैं? तो एक्रीडीन डेरिवेटिव में आता है एजाक्राइन, एजाक्राइन और मेपाक्राइन, एजाक्राइन और मेपाक्राइन। ठीक है, तो हमको एजाक्राइन और मेपाक्राइन का सिंथेसिस, उसका यूजेस पढ़ना है स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि व्हाट इज़ एक्रीडीन डेरिवेटिव। ओके, तो एक्रीडीन क्या होता है ये हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। तो फर्स्ट थिंग इसमें आता है कि एक्रीडीन क्या होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, जिसके मॉलिकुलर स्ट्रक्चर में, उसके मॉलिकुलर फॉर्मूला में क्या होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो एक्रीडीन इज अ इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड अ नाइट्रोजन हेट्रोसाइकल विथ द फॉर्मूला C13H9N। ओके, जिसका मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या है, C13H9N। दूसरा चीज़ हम इसमें देखते हैं कि एक्रीडीन क्या होता है, सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव होता है। ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव, उसके पेरेंट रिंग का क्या है, सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव। तो एक्रीडीन आर सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स ऑफ द पेरेंट रिंग, ऑफ द पेरेंट रिंग। ओके, थर्ड ये क्या होता है, स्ट्रक्चरली जो है ये प्लेनर मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, एंथ्रासीन स्ट्रक्चर के साथ ही क्या होता है, एक प्लेनर मॉलिक्यूल होता है। तो इट इज़ अ प्लेनर मॉलिक्यूल, इट इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल दैट इज रिलेटेड टू एंथ्रासीन, एंथ्रासीन से रिलेटेड ये प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। ओके, विथ वन ऑफ द सेंट्रल CH ग्रुप्स, सेंट्रल CH ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इसमें देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। इसमें जो है इसके स्ट्रक्चर में पायरीडीन और क्यूनोलिन स्ट्रक्चर जो है, पायरीडीन और क्यूनोलिन स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पायरीडीन और क्यूनोलिन स्ट्रक्चर जो है वो उसका जो बेसिक मिडिल स्ट्रक्चर है वो बनाता है। पायरीडीन एंड क्यूनोलिन। ठीक है, नेक्स्ट इसका प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ये क्या होता है, ये जो एक्रीडीन डेरिवेटिव्स होते हैं क्या होते हैं, ऑलमोस्ट जो है वो कलरलेस होते हैं, सॉलिड होते हैं। ठीक है, तो इट इज कलरलेस सॉलिड डेरिवेटिव्स। ओके,
इसका यूजेस एंड इसके अलावा सॉलिड तो होता है, इसके अलावा क्या होता है, निडिल फॉर्म में, तो इट क्रिस्टलाइज, इट्स क्रिस्टलाइज इन निडिल्स, निडिल्स फॉर्म में ये क्या हो जाते हैं, क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। अब हम लोग इसका देखते हैं मॉलिकुलर फॉर्मूला, तो ये होता है C13H9N, ओके, एंड इट्स स्ट्रक्चर इज प्लेनर है, एंथ्रासीन के समान इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, नाइट्रोजन हेट्रोसाइकल प्रेजेंट होता है और सी एच बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू, ओके, ये इतना जो आपका पार्ट है, इट इज व्हाट, क्यूनोलिन, दिस पार्ट इज लाइक बेंजीन एंड दिस मिडिल पार्ट इज पायरिडिन बेस, ओके। तो ये टोटल स्ट्रक्चर है आपका किसका, एक्रिडिन डेरिवेटिव का। तो हाउ इट इज़ फॉर्म एक्रिडिन, हाउ इट इज़ फॉर्म, एक्रिडिन इज फॉर्म्ड व्हेन एन एडिशन, एडिशनल ऑफ बेंजीन रिंग, ठीक है, बेंजीन रिंग इज फ्यूज्ड किसके किसके साथ, विथ पायराडीन, विथ पायराडीन रिंग ऑफ क्यूनोलिन, क्यूनोलिन न्यूक्लियस, सो एक्रिडीन इज ओवरऑल एरोमेटिक, दो हैविंग नाइट्रोजन, दो हैविंग नाइट्रोजन, ओके, क्लियर है आप सबको क्या होता है एक्रिडिन डेरिवेटिव, हमको पढ़ना किसका किसका है, एजाफ्राइन और मेपाक्राइन का। तो एक्रिडिन क्या होता है, इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसे है, कौन कौन से स्ट्रक्चर का ये फ्यूज स्ट्रक्चर है एक्रिडिन, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे किसका, एजाक्राइन का, एजाक्राइन का सिंथेसिस, उसका स्ट्रक्चर। थैंक यू।